साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं। साथियों बताइए, चुनौती दूं या ना दूं? आपके आशीर्वाद है ना? ये वीरों की भूमि से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें, कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है तो वो ये भी खुल करके घोषणा करे कि तीन तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दे। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि वो देश के युवाओं को बर्बाद करने के ये खेल खेलना बंद कर दे। किसी का भला नहीं होगा, देश के उज्जवल भविष्य का भला नहीं होगा। जिन मां बाप ने काली मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, उन मां बाप के सपनों को तहस नहस करने का पाप अपनी राजनीति के लिए मत करो। देश देख रहा है कैसे बहुत सफाई से कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, नागरिकता संशोधन कानून, CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे मुद्दों को उछाल करके, उसके पीछे छिप करके डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गंदी राजनीति को हवा देने शुरू कर दिए। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, भारत की सरकार का एक ही पवित्र ग्रंथ है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ भारत का संविधान, यही हमारा ग्रंथ है। हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि है।
एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है, एक ही हमारा मंत्र हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, और वो मंत्र है भारत माता की जय। हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय इस मंत्र को लिए जी रहे हैं, जूझ रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं। इनके दायरे में लिए गए हर फैसले के साथ मां भारती के कल्याण के लिए, मां भारती के जय जयकार के लिए गए हर फैसले के साथ ये आपका सेवक खड़ा रहेगा।